नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान अंडरस्टैंडिंग शो में। तो दोस्तों, फ्रांसीसी विमान निर्माता डिसॉल्ट एविएशन सुपर राफेल F5 बना रहा है। सुपर राफेल स्टेल्थ तकनीक से लैस होगा और हाइपरसोनिक मिसाइलों को भी फायर कर सकेगा। इस विमान के साथ लॉयल विंगमैन फाइटर ड्रोन को भी इंटीग्रेट किया जा सकता है और सेल्फ डिफेंस सिस्टम के साथ जॉइंट जैमिंग रडार से लैस राफेल F5 अपने लिए युद्ध के मैदान में एक प्रोटेक्टिव वॉल भी बना सकता है। ऐसे में दुश्मन की एयर डिफेंस मिसाइलें इस लड़ाकू विमान के आसपास भी नहीं आ पाएगी। फ्रांस के इस लड़ाकू विमान का मुख्य मुकाबला अमेरिका के F-35 से होगा। वर्तमान की अगर बात करें तो अमेरिका अपने F-35 को दुनिया के कई देशों को बेच रहा है। इसके अलावा किसी भी देश के पास मार्केटिंग के लिए F-35 जैसा लड़ाकू विमान नहीं है। और फ्रांसीसी डिफेंस वेबसाइट मेटा डिफेंस के अनुसार सुपर राफेल या राफेल F5 एक नया लड़ाकू विमान है। रिपोर्ट के मुताबिक राफेल F5 एक एयर कॉम्बैट सिस्टम होगा जो कई सिस्टमों के सिस्टम पर आधारित होगा। यह सिर्फ एक लड़ाकू विमान न होकर कई तरह की खूबियों से लैस होगा। और एक रिपोर्ट के मुताबिक फ्रांस के सशस्त्र बलों के मंत्रालय ने राफेल प्रोग्राम के आगे प्रयासों के बारे में जानकारी देने के लिए इस महीने की शुरुआत में संशोधन पेश किया था। इसमें विशेष तौर पर 2024 से लेकर 2030 तक सैन्य योजना कार्यक्रम विकसित होने जा रहे हैं। नए F5 वेरिएंट को लेकर इसमें जानकारी दी गई थी। दरअसल फ्रांस लंबे समय से यूरोप के नेक्स्ट जनरेशन फाइटर जेट प्रोग्राम का सदस्य रहा है। इस प्रोग्राम में फंड को लेकर खींचतान के बाद फ्रांस ने खुद के विमान को बनाने पर ज़्यादा फोकस किया। फ्रांसीसी सेना को उम्मीद है कि उन्हें जल्द ही अमेरिकी F-35 से भी बेहतर लड़ाकू विमान मिल सकता है। वर्तमान में फ्रांसीसी एयर एंड स्पेस फोर्स राफेल के F-3R वेरिएंट को ऑपरेट करती है। इसे 2013 के अंत में विकसित और लॉन्च किया गया था। यह विमान 2018 में फ्रांसीसी वायुसेना में शामिल हुआ। राफेल F-3R पुराने राफेल F-3 स्टैंडर्ड का अपग्रेडेड वर्जन है। F-3R वेरिएंट में MBDA की लंबी दूरी की हवा से हवा में मार करने वाली मेट्योर मिसाइल लगी हुई है। यह थैल्स टेलियोस न्यू जनरेशन लेजर डिजाइनर पोर्ट से भी लैस है जो इसे हवा से जमीन पर सटीक हमला करने में मदद करता है। और राफेल F5 को स्कैल्प स्टॉर्म शैडो क्रूज मिसाइलों और AM-39 एक्सोसेट के बजाय नई फ्रेंको ब्रिटिश मिसाइलों या फ्यूचर क्रूज मिसाइलों और फ्यूचर एंटीशिप मिसाइलों को तैनात करने के लिए डिजाइन किया जाएगा। ये फ्यूचरिस्टिक मिसाइलें स्टेल्थ तकनीक से लैस होने के अलावा हाइपरसोनिक स्पीड से उड़ान भर सकेंगी। ये राफेल को अत्यधिक लंबी दूरी तक मार करने की क्षमता भी प्रदान करेंगी। इन मिसाइलों को वर्तमान में मौजूद किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम से रोका नहीं जा सकता है। राफेल F5 भी टेलियो डिजनेशन पोर और रेको एनजी टोई पोर की क्षमताओं को मर्ज करने वाले पोर से सज्जित होगा। टेलियोस पोर को राफेल F4 के साथ इंटीग्रेट किया जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें। धन्यवाद।